हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम सब जा रहे हैं मेडो लेक की तरफ। तो बेसिकली मेरा एक ऑफिस का काम था, मैं मशीन ठीक करने जा रहा था हॉस्पिटल की, जो कि मेरा काम है। तो मैंने सोचा क्योंकि एक लॉन्ग रूट ड्राइव है और 5.5 घंटे का फासला भी है, तो क्यों ना अपनी फैमिली को भी साथ लेता चलूँ, ताकि हम उस एरिए को मिलकर एक्सप्लोर भी कर सकें और मेरा कुछ सफ़र भी अच्छा गुजर सके। तो मेडो लेक्स की तरफ हम जा रहे हैं और तकरीबन 530 या 550 किलोमीटर के कुछ फासले पर है। तो बस चलते हैं वहाँ पर और जाकर उसको एक्सप्लोर करते हैं। चलें, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और यहाँ पे लीना सो गई है खादी के पास, टैबलेट है, खादी टैबलेट यूज कर रहा है, अपना कार्टून देख रहा है और हम लेकर आए हैं अपने साथ आलू के पराठे। और हमने जैसे सुबह में निकलते वक्त जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने बनाए आलू के पराठे जो इसके अंदर मौजूद हैं, और ये थोड़े सैंडविचेस बना लिए और बाकी लीना के खाने का सामान है नीचे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, सब क्लीनिंग चल रही है, तो मैंने सोचा आपको अपना होटल का रूम दिखा दूं। रात में तो मौका नहीं मिला था कि रूम दिखाएं, क्योंकि हमें देर हो गई थी पहुंचते पहुंचते और थक भी बहुत गए थे, तो इसलिए मैं रात में दिखा नहीं सकी चेक इन के टाइम, तो सोचा इस टाइम दिखा दूं। और अब मैं सोच रही हूँ कि पैकअप कर लूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरा रूम नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि हमें अपना होटल शिफ्ट करना पड़े। और ये ब्रेकफास्ट एरिया था, हमने यहाँ पे सुबह आके अपना ब्रेकफास्ट किया था। No. Wait for daddy. No, I want to go in the park. Yeah, we will go. तो गाइस, इस वक्त मैं जहाँ पहुँचा हूँ, बैकग्राउंड में आप मेरे देख रहे होंगे टिम हॉर्टन, और ये है बेसिकली बॉर्डर अल्बर्टा और सस्केचवान के दरमियान में। तो मैं इस वक्त हूँ अल्बर्टा में और मुझे यहाँ पर किसी से मीटिंग करनी है, और मीटिंग करने के बाद मैं वापस जाऊँगा मेडो लेक्स की तरफ। तो क्योंकि अभी हमारा सफ़र कम्प्लीट नहीं हुआ, अभी वो सिलसिला बाकी है। तो भाई साहब, कहानी कुछ ये है कि अब मैं इन लोगों को मेडो लेक छोड़कर मैं अल्बर्टा क्यों आया, यानी लॉयड मिनिस्टर क्यों आया, उसका रीज़न कुछ ये था कि वहाँ चूँकि मैं हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट ठीक करने गया था, तो उसके लिए मुझे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी। अब अगर वो मैं दूसरे प्रोविंस से कोरियर करवाता किसी से, तो जाहिर है हमें और दिन यहाँ रुकना पड़ता, टाइम वेस्ट होता।
तो हमने क्या किया कि मैंने सोचा, मैंने डिस्कस किया, तो यहाँ पर मुझे किसी और के पास वो चीज़ थी एडमिंटन में, तो इस तरह मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर आओ, इस तरफ आओ, आधा रास्ता मैं कवर करता हूँ। तो इस तरह हम लोगों ने हाफ एरिया कवर करके मैं वहाँ गया, इसलिए मैंने इन लोगों को मेडो लेक छोड़ा और अभी वो चीज़ लेकर मैं वापस जा रहा हूँ। और अब बैड लक ये है कि अभी जो मेरी सुमैया से बात हुई है वो ये है कि होटल सब बिज़ी हैं और जगह नहीं है वहाँ पर, तो अब सारे होटल्स वेरीफाई कर लिए, कहीं पर अब जगह नहीं है। तो अब इस वक्त ये लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं और वहीं पर ही लॉबी में मेरा वेट कर रहे हैं। और अभी इस वक्त तकरीबन एक घंटा और मुझे लगेगा मेडो लेक्स पहुँचने में, तो एक घंटे तक ये लोग मेरा वहाँ पे वेट करेंगे। और एक और जो इस बार बैड लक हुई, वो बैड लक ये हुई कि जिस वक्त हम लोग अपना सामान गाड़ी में रख रहे थे, तो मेरा लैपटॉप जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो वहाँ रह गया, और उसी लैपटॉप के बैग में मैंने ड्रोन भी रखा था, तो वो भी घर पे रह गया, टेबल पे रह गया। तो अब अगर हम मेडो लेक्स को कवर करेंगे भी तो एरियल शॉट तो नहीं होगा उसमें, बस नीचे से ही हम जो कैमरे से बना सकेंगे बस वही बनाएंगे। तो बस ये हुई बैड लक। तो अब हम क्या करेंगे, प्लान ये है कि अभी सबसे पहले तो मैं होटल पहुँचूँ, इनको जाके मैं पिक करूँ, और फिर अब चूँकि होटल नहीं है तो चलो मोटल्स मोटल मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ हम देख ही लेंगे, क्योंकि मैंने फ़िलहाल ऑनलाइन तो देख लिया है, ऑनलाइन तो अभी कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है। तो अब मेरे पास जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो मोटल का ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, कि मुझे याद है जब हम लोग जा रहे थे तो काफ़ी सारे मोटल्स नज़र आए थे, तो वो हम पिक कर लेंगे। बट लेट्स सी, अभी वो भी श्योर नहीं है कि वो मिले या ना मिले। तो खैर मैं अभी जा रहा हूँ रास्ते में, एक घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा, इन लोगों को पिक करूँगा, फिर देखते हैं कि कोई मोटल मिलता है या नहीं मिलता। और अभी मैं वेट कर रही हूँ शकील का, और अभी कोई 50 मिनट्स हैं उनको आने में। हम लोग चेकआउट करके यहाँ पे बैठ गए हैं, और ये दोनों देखिए यहाँ पे मेरे पीछे बैठे हुए हैं। हादी अपना लैपटॉप टैबलेट से खेल रहा है क्योंकि वो मुझे बहुत तंग कर रहा था, और लीना चिप्स खा रही है। और अभी शकील को आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं कि जल्दी गुजरे ताकि फिर हम कहीं और जाएँ, और अब आगे देखते हैं कि क्या करना है और कहाँ मिलता है हमें। ये जगह है, हम बस यहाँ पे शकील आएंगे तो फिर दिखाती हूँ आफ्टर 50 मिनट्स कि क्या होता है। और ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए मज़े से, हमारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ये और शकील वापस आ गए हैं फाइनली, और बच्चे बहुत खुश हैं। तो अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं देखने के लिए कि कोई चीज़ जगह मिल जाए, रूम मिल जाए रहने के लिए। अब देखते हैं कहाँ मिलता है। वो क्या है ना कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, और हमारे साथ तो हमेशा ही होती रहती है। तो लेट्स सी। यहाँ पर हम आए हैं, देखते हैं अंदर हमें रूम मिलता ही नहीं मिलता, अल्लाह करे मिल जाए तो अच्छी बात है। और हाँ शकील आ गए, शकील मिला नहीं, वो कह रहे हैं सब बिजी हैं। बिजी क्या मतलब, कोई खाली नहीं है। मम्मी, तो कोई और ढूंढ, यही काम करते हैं वो, सामने सुपर 8 होटल है, तो एक बार उनसे जाके पूछ लेते हैं कि शायद उनके पास हो, क्योंकि ऑनलाइन तो शो नहीं कर रहा था। एक बार पूछ लेता हूँ, अगर नहीं है तो फिर कोई और ढूंढते हैं।
चले ठीक है फिर चलते, जल्दी चले फिर देर हो रही है। अब देखना है कि यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता, अल्लाह करे मिल जाए। और शकील वापस आ रहे हैं और जिस तरह वापस आ रहे हैं उनके चेहरे से लग रहा है कि उनको नहीं मिला है। लेट्स सी, देखा नहीं मिला उनको, वो हाथ हिला रहे हैं। अब कहीं और देखते हैं। चलें, एक क्वीन बेड का तो आसरा हुआ और मैंने उनसे कहा है कि मुझे टू बेड चाहिए, तो अभी वो लोग सर्च कर रहे हैं, तो अभी होल्ड पर है। अब हादी की टैबलेट की चार्जिंग खत्म हो गई है, वो परेशान कर रहा है पीछे से कि टैबलेट की चार्जिंग देते हैं, टेक आउट चार्जर। तो अब हम आपको सुनाते हैं कि स्टोरी, बहुत लंबा सफ़र है हमारा, तो हम सफ़र को काटने के लिए भी आपको स्टोरी सुनाते हैं और हमारे साथ जो गुजरा हम वो भी सुनाते हैं आपको। आप बीती सुनाने वाले हैं जो मेरा भी बीती है। हमारे हमारे हर वैसे ट्रिप में कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहता है हमारा, कुछ ना कुछ हम सीखते ज़रूर हैं हर ट्रिप में, मगर वो अक्सर हम अपनी वीडियोस में नहीं डालते। मगर इस दफ़ा हमने सोचा कि आपको अपने साथ शेयर करते हैं हमारी वीडियो में कि हम कैसे कैसे चीज़ें हरकतें करते रहते हैं कुछ बेवकूफ़ियाँ समझ लें हमारी या कुछ केयरलेसनेस समझ लें। तो चले हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। तो स्टोरी, जैसे कि आपको पता था हम लोग होटल ढूंढ रहे थे और होटल नहीं मिले थे, फिर हम मोटल ढूंढ रहे थे, तो सब जगह ढूंढने के बाद फिर हमें एक मोटल में हम लोग गए वहाँ पर, और वहाँ के स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ तो एक अभी यहाँ के आपको पूरे शहर में इस वक्त नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि हमें बोला कि इस होटल में तो नहीं है मगर जस्ट ऑपोजिट एक और मोटल है, वहाँ पर उन्होंने एक रूम बुक किया हुआ है अपनी आंटी के लिए, तो आप अगर मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी हूँ, तो अगर आप मुझे उसके कैश पैसे दें तो मैं भी आपके साथ वहाँ जाकर मैं आपको कीज दिलवा देती हूँ उस रूम की। तो फिर यही हुआ कि उस होटल से हमने उन्हें पिक किया, वो हमारे साथ हमारी गाड़ी में गई और उसके बाद फिर हम लोग उनके साथ उस मोटल में गए और वहाँ जाकर उन्होंने बात बात की। तो अभी रूम्स की क्लीनिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक पेपर मतलब एक कार्ड जो वहीं का ही जो कार्ड था उस पर कहा कि 4 बजे आप चेक इन कर सकते हैं, इससे पहले चेक इन नहीं कर सकते, तो क्योंकि अभी क्लीनिंग हो रही है तो आपको 2 आवर्स वेट करना पड़ेगा। और हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए थे, वो खुद ही अंदर गई होटल के और उसने सब कुछ पूछ पाछ लिया, उसके बाद फिर वो आई और हमें उसने बताया कि ये रूम नंबर में आप 4 o'clock पे चेक इन कर लीजिएगा। तो मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम हमें मिशेल बताया और उसने उससे हमने उसका फ़ोन नंबर लिया, उसने हमें एक रैंडम फ़ोन नंबर लिख के दे दिया। अच्छा, और उसने हमसे कितने कैश में $120 चार्ज कर लिए, उसके बाद वो चले गई। तो फिर मैंने नोट किया वो नंबर, तो वो नंबर मुझे सही नहीं लगा, मैंने शकील से कहा कि ये नंबर सही नहीं है, तो शकील ने कहा हो सकता है इसके बीच में ये नंबर लगता हो, कॉमन है, समझ सकते हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि वो स्टाफ थी उस होटल में काम कर रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि जाहिर है होटल वाली है तो वो चीट नहीं करेगी शायद। हाँ, तो इस वजह से हम लोग फिर चले गए। अब शकील ने मुझे क्या कहा कि अभी 2 बज रहे हैं तो अभी 2 घंटे बाकी हैं, तो मैं तो जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो मैंने कहा चलें आप मुझे मॉल छोड़ दें, मैं बच्चों के साथ मॉल वगैरह घूम लूँगी, तो फिर मिलते हैं उसके बाद ना। तो बस तब तक मैं, मुझे चूँकि हॉस्पिटल में मुझे इंस्ट्रूमेंट ठीक करना था, तो मैंने उस पर वहाँ पे मैंने टाइम स्पेंड किया और समयान बच्चों के साथ शॉपिंग करना शुरू कर दी वहाँ पर। अब शॉपिंग मॉल से देखने गए तो ठीक है, मैं दिमाग में था कि शॉपिंग मॉल होगा वहाँ पे, बट वैसा कोई था नहीं, मॉल तो था ही नहीं वहाँ पे, खैर एक ग्रॉसरी स्टोर था। और तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे ग्रॉसरी वैसी स्टोर में
थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, फिर बराबर में शॉप्स थी थोड़ी सी कपड़ों की, वो देखा। उसके बाद फिर मैं लंच करने के लिए चले गई हादी के साथ और लीना के साथ, मैंने लंच किया। उसके बाद तब तक टाइम गुजर गया अच्छा खासा और 4:30 बज गए। फिर शकील की कॉल आई कि मेरा काम ख़त्म हो गया यहाँ पे और मैं अब आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तो फिर मिल के चलते हम लोग होटल में आप चेक इन करेंगे। हाँ। और उसके बाद फिर हम लोग जिस प्लान से आए थे मेडो लेक्स के लिए घूमेंगे, फिर और फिर उसके बाद फिर हम कल निकल जाएंगे वापसी घर के लिए। मैंने कहा अच्छा सही है। फिर शकील आए, उन्होंने मुझे पिक किया और हम जैसा था वो हम होटल में गए। वहाँ पे एक थी फिलिपिनो लेडी थी मौजूद वहाँ पे, तो हम वहाँ पे गए, उनसे हमने पूछा अपना बताया, तो हमने उनको नाम बताया कि भाई मिशेल के नाम से हो सकता है बुकिंग हो। उन्होंने हमसे पैसे लिए और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उनका रूम था वो हमें दे दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये जो रूम आप बता रहे हैं जिस नंबर का 208 नंबर था वो, उन्होंने कहा ये रूम तो हम रेंट पे देते ही नहीं हैं, ये रूम हम रेंट पे देते नहीं हैं, इस रूम में तो अंडर मेंटेनेंस है ये रूम, तो ये रूम अभी हम रेंट पे नहीं करते। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो हमें यही नंबर बताया है। तो बोलने की सामने तो होती है। हाँ, हमने बताया कि वो सामने वाले होटल में होती हैं और उन्होंने बोला यहाँ वाले रूम में दे देते। तो उसने कहा हो सकता है आपके साथ स्कैम हो गया है ना, तो इस डर इस चीज़ का तो हमें भी खौफ था थोड़े टाइम पहले तक, हमें भी लग रहा था कि कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, वो लेके भाग ना जाए या कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो नंबर जब मैंने देखा था तो मुझे डाउट हुआ था उस नंबर पे। खैर, तो मैं वहीं पे ही रुकी उसी होटल में मोटल में, और शकील गए सामने वाली तरफ पे ताकि वो उस लेडी को जो मिशेल नाम की लेडी थी उसको पकड़ सके ना और पूछें। तो शकील वहाँ पे गए, अब बताएंगे शकील क्या हुआ उनके साथ वहाँ पे। बस मैं वहाँ पर गया और उनसे मैंने कहा आपकी जो स्टाफ थी उससे मुझे मिलना है, तो उन्होंने कहा इस नाम की तो कोई स्टाफ नहीं यहाँ पे। मैंने कहा वो यहीं पर ही थी, मैं आपके ऑफिस से ही तो मिला उससे, वो आपके ऑफिस में थी और यहीं पर ही। फिर मैंने बताया इनको सारी स्टोरी कि मैंने कैश भी पे किया उसको सामने वाले होटल के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं इस नाम की नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर इतने बजे आया था, आप मुझे इसकी वीडियो दिखाएं। तो उन्होंने वहाँ पर जब वीडियो निकाली तो मैंने कहा ये वाली है, तो कहने हाँ ये तो हमारी स्टाफ है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें वो यहीं पर रहती है, फिर वहाँ पर वो उनके रूम में वहाँ लेकर गए। तो वहाँ पर रूम में जब लेकर गए तो अंदर ही थी, रूम के अंदर ही थी, तो उसने कहा कि अभी मैं वॉशरूम में हूँ, मैं आती हूँ नीचे। तो उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम इस तरह उसको ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि उसने नहीं बताया था कि वो कहाँ पे अंदर रह रही है। तो उसके बाद खैर जब वो नीचे आई और उसने कहा कि नहीं आपको रूम नहीं दिया, वो तो मेरी आंटी के नाम पे बुक था, तो चले मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब जाहिर है हमें तो हमारी तो ये स्कैम करने की कोशिश कर रही है, और असल मकसद था फिर हमने कहा आप ना मतलब हमारा मेन टारगेट था कि हम पैसे निकलवा लें बस। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ आप चले, मैं आपके पीछे ही आ रही हूँ। और शकील वापस उस मोटल में आ गए जो सामने था जहाँ पे मैं रुक गई थी। तो फिर अब वहाँ पे खड़े होकर शकील ने कहा वो अभी आ रही है ना, तो 10-5 मिनट में आ रही है। तो मैंने कहा शकील आपने उसको अकेला क्यों छोड़ा, वो भाग जाएगी, वो आएगी नहीं। शकील ने कहा कि वो वहाँ पे काम कर रही है पिछले 6 महीने से और वो उसी रूम में रहती है, अपना सारा सामान छोड़ के थोड़ी भागी है। हाँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं शकील वो भाग जाएगी। और हुआ यही कि फिर शकील वापस पलटे कि मैं जाता हूँ दोबारा से, मैं अपने साथ ही लेकर आता हूँ उसको। शकील वहाँ पे गए तो वहाँ पे मैनेजर ने कहा वो तो गई हुई है शॉपिंग पे, वो तो नहीं है अभी कमरे में। तो फिर शकील काफ़ी देर वहाँ पे रुके, फिर उस मैनेजर ने कहा आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। तो फिर शकील आए मेरे पास और मुझे लेके जाने लगे वापस, मतलब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम रिजाइना निकलते हैं। और थोड़ा सा शकील को अंदर से हो रहा था छोड़ो मैं पुलिस को नहीं करता इन्फॉर्म, क्योंकि उनका दिल नहीं माना था उनका, चलो छोड़ो पहली बात ये कि परेशानी ना हो जाए ज़्यादा। 7 बज रहे हैं तो मैंने कहा यहाँ से घर निकलेंगे रात के 1:30-2 बजे तक तो घर पहुँचेंगे हम लोग, तो थोड़े से तो शकील अगर पुलिस को बुलाएंगे। हाँ। तो जाहिर है एक तो उनके आने में टाइम लगेगा और आएंगे फिर रिपोर्टिंग होगी। हाँ। तो उसमें अलग से टाइम वेस्ट होगा, पैसे वैसे तो कुछ मिलने नहीं है। तो शकील का था कि हम इतने उसमें क्यों फंसे, तो मैंने कहा फिर भी हम एक काम करते हैं कर देते हैं कॉल ना। खैर हुआ ये कि हम जब वापस पलटे तो वो रास्ते में ही पड़ता है वो होटल, वो बिल्कुल ऑपोजिट में था, तो वो उसी रास्ते में था। तो शकील ने कहा मैं रोक के एक दफ़ा और चेक कर लेता हूँ अंदर जाके ना, तो मैंने कहा हाँ चले जाएँ। तो अंदर गए तो इत्तेफाक से वो रूम में आ गई थी, तो हमने उसको बुलाया
और अपने साथ गाड़ी में बिठाया, उसने कहा चले मैं आपको चल के वापस दिलाती हूँ पैसे ना। मानने को तैयार नहीं थी वो, तो कह रही नहीं नहीं रूम बुक किया मैंने। हाँ, तो वो हमारे साथ बहुत कॉन्फिडेंटली गई और उसने और हम मैंने उसको कहा कि भाई आप कुछ भी हो जाए आप हमें पैसे हमारे वापस करते हैं। बोले हाँ हाँ मैं आपको बिल्कुल पैसे वापस दिलवाऊंगी, चले आप मेरे साथ। मतलब उनसे लेके क्योंकि मैं हाँ बोली थी मैंने पैसे दिए उनको। हाँ, तो वो फिर क्या हुआ कि हम उनके पास वापस गए, सेवन सीजन नाम था मोटल का, हम उनके पास वापस गए और उसने कहा आप लोग यहीं पे वेट करें मैं अभी आती हूँ अंदर से होके, मैं अपनी चाबियाँ छोड़ के जा रही हूँ। तो हुआ ये कि इस बार शकील ने उसको अकेला नहीं छोड़ा और वहाँ पे शकील के उसके पीछे पीछे चले गए। और जब वो अंदर गए तो वो जहाँ वो फिलिपिनो लेडी जो अंदर थी रिसेप्शन पे, हाँ, तो उसने कहा कि तुम को ज्यादा स्कैम करने की जरूरत नहीं है इन लोगों के साथ, इनके पैसे ड्रामा कर रही हो। हाँ, अभी इनके पैसे दो वरना पुलिस को कॉल करते हैं। हाँ, तो वो तो उसने क्या कहा, उसने ना नहीं मैं आपको उसने अंदर जाकर क्या बोला कि नहीं नहीं आपको पैसे नहीं दिए, आप तो दो बजे आई हो, दो बजे से पहले जो होती है उसको मैंने कैश दिया था। तो खैर इस तरह उसने कहा ड्रामा नहीं करो, हमारे यहाँ इस होटल में ऐसा कुछ नहीं होता, जो बुकिंग होती है वो जो पैसेंजर कस्टमर जो होते हैं उन्हीं के नाम पर होती है, गेस्ट के नाम पर बुकिंग होती है, कोई और बंदा नहीं करता, ऐसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरह करके वहाँ पर इन दोनों का आपस में खैर पड़ा होता रहा दिखावे के लिए। और पता है वहाँ पे भी बोली थी कि मैं फिर अभी पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ। अच्छा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा अभी करो तुम पुलिस को कॉल। हाँ। और अभी भागोगी तुम क्योंकि तुमने स्कैम कर रही हो, तो और वापस इनके पैसे वापस दे दो वरना ये लोग। वो दिखाई से रही थी कि मैं लड़ रही हूँ और वो ड्रामा कर रही थी लड़ने का उस बेचारी से, जबकि उसके पास पैसे नहीं थे जिसको वो फिलिपिनो लेडी को, और मिशेल जो थी वो कुछ और ही ड्रामे कर रही थी। मैंने इसकी ये सब जो बातें थी ना पैसे की वो मैंने रिकॉर्डिंग नोट की। अच्छा। कि पुलिस आएगी अगर हाँ। ये डिनाई करेगी ना इस बात को हाँ। कि हाँ मैंने पैसे नहीं दिए हाँ। तो एक तो उसकी हैंडराइटिंग का सब लिखा हुआ मेरे पास। अच्छा, मैं भी सोच रही थी कि रिकॉर्ड करूं। हाँ, मैंने कर लिया था पूरी रिकॉर्डिंग लगी हुई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, तो हमें एक्ट करके हमें उसने दिखा दिया और बड़ी जेन्युइन बन रही थी हमारे साथ कि मैंने इनको पैसे दिए हैं और ये लोग हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं, हमारे पैसे खा लिए हैं उन्होंने, और वो लेडी जो मैंने दो बजे से पहले होती थी रिसेप्शन पे उसको दिए थे और वो भाग गई पैसे लेके, हमें वो ये शो कर रही थी मिशेल जो थी। खैर फिर हम वापस उनके पास आए जहाँ पे वो रहती औरत मिशेल, तो उसने बोला कि मैं ना आपको एक काम करती हूँ, मैं अपनी जेब से आपको $120 निकाल के देती हूँ, आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दें और फिर जब मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तो फिर मैं उसके पास लैपटॉप है मेरा तो मैं उससे ईमेल करके आपको दूंगी, तो वो हो सकता है एक घंटे में आए ना। हमने कहा ठीक है, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आप उसको लेकर आओ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पैसे लेकर ही जाएंगे ना। हाँ, तो उसने कहा नहीं नहीं हो सकता है वो देर से आया है, हो सकता है वो, तो मैंने कहा तो किसी से बोरो करके दे दो आप, तो बोलने लगी नहीं नहीं यहाँ पे कौन बोरो मतलब कौन उधार देगा ना, ये चीज कहने लगी ना। तो खैर मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर हम पुलिस को कॉल करते हैं ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पैसे वापस चाहिए। अच्छा, उसने कहा अच्छा एक मिनट रुको फिर ना मैं देख कर आती हूँ ना। अंदर गई वो, उसके बाद अब मुझे हो रहा है कि वो कहीं पीछे दरवाजे से ना भाग जाए ना। तो मैं उस समय को बोल रहा हूँ कि भाई वो रहती यहीं पर है, वो कुछ छोड़ के थोड़ी भागी, होटल के अंदर ही रहती है वो। तो खैर उसके बाद ना वो हुआ ये कि वो गई अंदर, 10-15 मिनट बाद वापस आई और बोलने लगी कि ना मुझे कोई भी पैसे नहीं दे, रो रही मतलब रोने वाला फेस बनाया हुआ उसने, और बोलने लगी कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा और बोल रहे हैं कि कल सुबह तक हम पैसे नहीं देंगे तुम्हें, तो कल सुबह तक मुझे पैसे मिलेंगे ना। अब वो एक घंटे का जाके कल सुबह हो गया और उसने ये देख लिया कि हम लोगों को यहाँ पे कोई होटल नहीं मिला, कोई रूम नहीं मिला, तो अब हम लोग वापस जाने और वापस जाएंगे तो हम वापस तो दूर से रिजाइना तो नहीं आएंगे। हाँ, अब इतने इससे ज्यादा का पेट्रोल लगा कर हाँ, हम वापस थोड़ी आएंगे। हाँ, तो वो उसने ये वो कर लिया ना, बस उसने हमें ये कहना था कि आप लोग अभी चले जाओ और मेरी जबान है मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप नहीं दे रही ना दो, मैं कॉल कर रही हूँ पुलिस को। उसी के सामने बैठ के हमने उसको पुलिस को कॉल करी। अब जब क्या हुआ कि शकील पुलिस से बात कर रहे थे, कंप्लेन लिखवा रहे थे, तो मुझे बोलने लगी कि मेरी एक बहन भी है, हो सकता है वो मुझे पैसे दे दे, मगर अब क्या पॉइंट बनता है पैसे मांगने का मेरी बहन से, क्योंकि अब तो अब वो कंप्लेन कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा फिर भी अगर मांग लो तो अच्छा है। तो बोलने लगी तो फिर अच्छा मैं रुके एक मिनट में ट्राई करती हूँ, मगर इनको रोके ना कंप्लेन करने से। मैंने कहा तुम जाओ जाके पैसे लेकर आओ, मैं रोक लूँगी उनको ना। खैर वो फौरन से गई अंदर और उसके बाद ना शकील
उनको मैंने रोका नहीं, शकील अपनी कंप्लेन लिखाते रहे, कंप्लेन वगैरह कर दी और पुलिस वालों ने कहा हम बस आ रहे हैं आपके पास 5 मिनट में, आप लोग वहीं पे रहिएगा ना। हमने कहा ठीक है। उतनी देर में जब पुलिस की कॉल ख़त्म कर ली, हमने रख दी, तो क्या हुआ, वो अंदर से आई रोती रोनी शक्ल में और फुल रो रही है और रोते रोते बता रही है कि देखो मुझे सिर्फ $100 मिले, $20 अभी नहीं मिले मुझे, मैं आपको अभी 2 घंटे में ही $20 वापस करती हूँ, बस मुझे टाइम दे दो, मुझे 100 से ज़्यादा नहीं मिल रहे डॉलर्स, मैं क्या करूँ ना। अब मैंने और शकील ने एक दूसरे की शक्ल देखी कि यार चलो 100 तो मिल गए, $20 हैं, अब क्या कर सकते हैं ना, $20 भी कम नहीं होते खैर, मगर फिर भी $20, 120 से तो कम ही थे ना, तो 100 तो मिले। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, पुलिस तो अब आ रही है रास्ते में, तो बोलने की हाँ बस मैं दे दूंगी 20 और रो ही जाई ना। उसके बाद फिर ना मैंने कहा अच्छा ठीक है हम पुलिस को बता देते ना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ना वो चले, दे दूंगा मतलब हाँ, उसने ईमेल एड्रेस ले लिया, हाँ उसे ईमेल ट्रांसफर हो जाएगा, ई ट्रांसफर के लिए उसने ईमेल एड्रेस ले लिया हमारा ना। अब शकील उठे गाड़ी से बाहर निकले और उसने मुझे बता दिया कि ना ये है, और ना वो समझी कि शकील ना कॉल कर रहे हैं पुलिस वालों को ताकि आप ना आए, और तो उसने क्या किया मुझे पैसे देने के बाद रोंदी शक्ल से बस बाहर ही निकली है गाड़ी से बाहर और अंदर जाने लगी, और उसका सारा रोना खत्म, उसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और वो मतलब ऐसा था कि ड्रामा ही कर रही थी ना, और हमें अंदाजा है कि वो हमें $20 नहीं देती। खैर हमने पुलिस वालों को रोका नहीं, पुलिस आ गई 5 मिनट के अंदर, और फिर हमने जो पुलिस आई वो बेसिकली 2 लेडीज़ आई थी, और उन लेडीज़ को हमने पूरी कहानी सुनाई, हमने उनको दिखाया कि हमें $100 मिल गए और $20 रह गए हमारे, उन्होंने पूरी कंप्लेन हमारी सुनी, आराम से सुना। लेकिन सुमैया का सुमैया को पुलिस वाली बहुत अच्छी लग रही थी, हाँ दोनों लड़कियाँ थी, हाँ दोनों अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छे गेटअप में थी, मैं आपको अभी पिक्चर में दिखा दूंगी। तो वो मतलब वही है पुलिस वाले में जो पहनता है ड्रेसेस तो वो खूबसूरत ही लगता है, ग्रेस आ जाता है भले वो लड़की हो या लड़का हो। तो खैर उन दोनों से हमने बहुत अच्छी बात हुई, पुलिस वाले बहुत नाइस थे, पोलाइट थे हमारे साथ, अच्छा लगा इंटरेक्शन करके, आपने दिल की बात बताई पूरी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने कंप्लेन करी, ऐसे तो बहुत से लोगों के साथ वो करती होगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, हमारी सारी डिटेल्स ली, शकील की सारी डिटेल्स ली, और हमारे पास जो जो डिटेल्स उस लड़की की थी, मशल जिसका नाम, जो उसने नाम अपना जिसका नाम टहरा था एक्चुअल में, तो वो हमने उसकी सारी डिटेल्स दी, नंबर्स दिए, सब एवरीथिंग हमने दे दिया उसे और पुलिस वालों को दे दिया हमने। पुलिस वालों ने कहा कि अभी हम नहीं जा रहे, अगर आपके पास पैसे ना आए तो हम कल इनके पास दोबारा आएंगे और फिर पकड़ेंगे उस लेडी को, अगर आपके पास पैसे नहीं मिले हम निकलवाएंगे $20 भी। तो ये तो हुई कहानी हमारे साथ, तो इसलिए हमें तो कपड़े भी बदलना नसीब नहीं हुए, तो हमने ना मतलब हमने सोचा था कि भाई हम चेंज करेंगे, न्यू होटल में शिफ्ट हो जाए, फिर घूमने के लिए निकलेंगे और फिर कल सुबह में हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो अब ये दोनों पुलिस वालियां क्या कहेंगी कि आप यहाँ चले जाएं, आप ये भी देख सकते हैं, आप वो भी देख सकते हैं, बल्कि आप ऐसा कीजिए जब आप होटल, तो यहाँ क्योंकि सारे बुक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है, कुछ होने वाला है, कोई इवेंट चल रहा है, आप जाएंगे तो आपको आगे बैटलफील्ड में आपको होटल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ स्टे कर लीजिएगा, रात में मत घर जाइए, क्योंकि रात में क्योंकि एक तो टू वे ट्रैफिक है नंबर वन, और साथ में जानवर भी जो है वो क्रॉस करते हैं, तो वो कहेंगे कि बेहतर है कि आप कल सुबह में घूम घाम के आप जाइएगा। तो खैर तो ये सब कहानी हुई, तो अब हमने सोचा कि निकलते हैं, मतलब घर के लिए निकलते हैं, तो अभी हमने कहीं घूमा नहीं, इस वजह से हम ये घूम नहीं पाए, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, वीडियो में कुछ भी हम नहीं दिखा पाए भाई, कुछ भी नहीं, बस ये कहानी हुई हमारे साथ, तो हमने ये शेयर कर दी। अब अगर दोबारा आना हुआ शकील का, मेरा वैसे मेरे ख्याल में शायद मैं नेक्स्ट वीक में दोबारा आना हुआ तो फिर जरूर एक्सप्लोर करेंगे और बनाएंगे, और ड्रोन भी लेकर आएंगे इस बार, ड्रोन भूल गया। अच्छा एक और देखिए, अच्छा ही हुआ ना। अच्छा एक और बात ये भी थी, अब तो ये है कि इतना लंबा रास्ता है और घर पहुंचना अभी भी 5 घंटे बाकी है, और अभी 8 बज रहे हैं रात के, अभी रात के 8:07 हो रहे हैं, और एग्जैक्टली 5 आवर्स बाद यानी रात के 1:07 हम लोग घर पहुंचेंगे। अच्छा वैसे एक और भी चीज ये हुई कि जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में हमें बहुत सारी जैसे टर्टल बीच हमें नजर आया, इसके अलावा हमें लून बीच नजर, लून लेक के नाम से था, तो जगहें बहुत काफी चीजें हमें रास्ते में नजर आई, तो इंशाल्लाह जब हम लोग नेक्स्ट वीक या आफ्टर 15 डेज जब दोबारा से इस इलाके में आएंगे तो हम उन चीजों को भी देखते हुए आएंगे, उसको भी फिर एक्सप्लोर करेंगे।
तो और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज की हमारी, और हमने आपसे सोचा है कि हम आपको सारी अपनी कहानियां सुनाएंगे जो हमारे साथ हमेशा होती हैं, नॉन एडिटेड। हर ट्रिप में होती हैं हमारे साथ कहानियां, मगर हम वो बताते नहीं हैं, हम बताते नहीं हैं, बट हमने सोचा कि हम जरूर बताएंगे ताकि आप लोग भी हमसे कनेक्ट कर पाए। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अभी आप, आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं कि हम गुजर कहाँ से रहे। व्यू दिखा देते हैं।